नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका मेष राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, 13 फरवरी 2022 दिन रविवार को प्रातः 3:10 पर सूर्यदेव मकर राशि से निकलकर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और यहां पर अगले एक महीने तक यानी 15 मार्च 2022 तक गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। तो इसका सभी राशि वाले जातकों के ऊपर अलग अलग प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्यदेव क्या संभावना निर्मित कर रहे हैं, यह जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो देखिए, वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्यदेव को आत्मा और ग्रहों का राजा कहा गया है। सूर्य को सात्विक ग्रह, अग्नि तत्व प्रधान ग्रह और क्षत्रिय ग्रह माना जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक ग्रह माना जाता है। उसके साथ साथ सूर्य को स्वास्थ्य, शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, राजनीतिक जीवन का भी कारक ग्रह माना जाता है। यानी यहां पर सूर्य देव का प्रभाव होता है, यानी इन सभी विषयों पर सूर्य प्रभावी होते हैं। जब किसी व्यक्ति का जन्म कुंडली अध्ययन किया जाता है तो उस व्यक्ति का आत्मबल, निर्णय लेने की क्षमता, सम्मान प्राप्त होगा या नहीं होगा, ये सभी चीजें सूर्य को देखकर ही जाना जाता है। यदि सूर्य देव की स्थिति जन्म कुंडली पर बनी हो तो जातक के अंदर लीडरशिप क्षमता देखने के लिए मिलती है। जातक के अंदर उत्साह है और जोश की कमी किसी प्रकार से नहीं दिखाई देती है। सूर्य बली हो तो जातक शारीरिक रूप से मजबूत होता है, मान सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। सकारात्मक विचार उस व्यक्ति के अंदर हमेशा रहते हैं और ऐसा जातक आशावादी होता है। सरकारी क्षेत्रों में विशेष सफलता प्राप्त होती है। वहीं सूर्य पीड़ित हो तो जातक के अंदर कई प्रकार की समस्या मिलती है, जैसे जातक अहंकारी होता है। सूर्य पीड़ित हो तो जातक को शासन के द्वारा दंड देखने के लिए मिलता है। आंखों का रोग, हड्डियों का टूटना, पीलियापन, चर्म रोग और अधिक मेहनत करने के बावजूद भी सरकारी क्षेत्र में कम सफलता प्राप्त होती है। तो सूर्य के बारे में यह हमने आपको जानकारी दी। सूर्य की मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि मानी जाती है। उच्च की राशि मेष राशि होती है और नीच राशि इनकी तुला राशि मानी गई है। सूर्यदेव जहां पर बैठते हैं उससे संबंधित चीजों में उथल पुथल पैदा करते हैं। कभी कभी जब सूर्य उच्च के होते हैं तो वहां पर शुभ प्रभाव देते हैं। केंद्र पर सूर्य और मंगल की यदि युति हो केंद्र भाव में, तो व्यक्ति के जीवन में धन धान्य, सफलता और सम्मान की कमी नहीं देखने के लिए मिलती है। जन्म कुंडली पर सूर्य का शुभ प्रभाव मिलेगा या अशुभ प्रभाव मिलेगा, यह सूर्यदेव की स्थिति और प्लेसमेंट के ऊपर निर्भर करता है, सूर्य के साथ मौजूद ग्रहों पर निर्भर करता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा। मेष राशि वाले जातकों की चंद्र राशि के ऊपर यह राशिफल आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। मेष राशि वाले जातकों की राशि के पंचमेश सूर्यदेव होते हैं, जिनका गोचर राशि के 11th हाउस में यानी 11वें भाव में होने जा रहा है। 11वें भाव से व्यक्ति के कर्म के द्वारा उपार्जित लाभ, अभिलाषाओं की पूर्ति, बड़े भाई और विदेश से संबंधित धन का विचार किया जाता है। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए कहीं न कहीं सूर्यदेव का यह प्रभाव, यह गोचर श्रेष्ठता देने वाला है। 13 फरवरी 2022 से आपके राशि के 11th हाउस में सूर्यदेव गोचर में रहेंगे। तो सबसे पहले सप्तम दृष्टि से राशि के पंचम भाव को देख रहे हैं।
मेष राशि वाले जातकों के लिए करियर के दृष्टिकोण से नई संभावना देखने के लिए मिलने जा रही है। सरकारी क्षेत्र या सरकारी नौकरी में जुड़े हुए जातकों के लिए पदोन्नति की संभावना दिखाई दे रही है। इन दिनों में सूर्य के इस परिवर्तन के फलस्वरूप मेष राशि वाले जातकों के लिए व्यावसायिक उत्थान देखने के लिए मिलेगा और व्यापार में नवीनीकरण होता हुआ भी नजर आएगा। प्रयासरत जातकों के लिए सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। इस समय अवधि में विशेष मान सम्मान मेष राशि वाले जातकों को देखने के लिए मिलेगा। धन के मोर्चे पर वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आर्थिक स्थिति मेष राशि वाले जातकों की बढ़ती हुई रहेगी। आपके कर्म की कमी होने के बावजूद भी लाभ की प्राप्ति ज्यादा जीवन में होगी। व्यापारिक जीवन में अच्छा प्रदर्शन आप कर पाएंगे। साथ में शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में सफलता की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। साथ में विदेश में जुड़े हुए जातकों के लिए शानदार परिणाम देखने के लिए मिलेगा। इस समयावधि में मेष राशि के ऐसे जातक जो पूर्व के समय से ही वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं से परेशान थे, उनके लिए भी यह परिवर्तन, यह गोचर श्रेष्ठता दे रहा है। इस समयावधि में मेष राशि के जातकों को यदि कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मुद्दों में उलझने निर्मित हो रही थी, किसी प्रकार का मुद्दा आप लेकर कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ चल रहे थे, उसमें आपको निजात मिलने वाली है। साथ में मेष राशि वाले जातकों के सेहत के दृष्टिकोण से भी समय बेहतर रहेगा। क्योंकि सूर्यदेव आपकी राशि के लिए विशेष योग कारक ग्रह माने जाते हैं और आपकी राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, आपकी राशि मंगल के साथ परम मित्रता सूर्यदेव की होती है, तो सेहत के प्रति यदि किसी प्रकार की समस्या मेष राशि वाले जातकों को मिल रही थी, वह दूर होगी। पुरानी बीमारी से आपको लाभ निजात देखने के लिए मिलेगा। अब आइए हम आपको बताते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष उपाय जो सूर्यदेव के लिए किए जाते हैं। तो प्रत्येक जातकों को सूर्योदय के पूर्व सोकर जरूर उठ जाना चाहिए। सूर्यदेव को नित्य प्रति जल अर्घ देना आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ में गेहूं, तांबा, गुड़, खांड, इनका दान करना सूर्योदय के समय रविवार के दिन बेहतर आपके लिए रहेगा। सूर्यदेव की शुभता को अर्जित करने के लिए पिता तुल्य लोगों के साथ अपने संबंध बेहतर रखें और जहां तक हो सके उन्हें समय समय पर रविवार के दिन तोहफे देते रहें, अपने कार्यों के द्वारा या किसी उपहार के द्वारा। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। साल 2022 के सभी महीने आपके जीवन में उन्नति दें। ओम नमः शिवाय।